मुखिया की पत्नी ममता का जदयू से क्या रिश्ता है, लोजपा चिराग पासवान से क्या रिश्ता है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको हम बता दें कि जदयू नेत्री जिस प्रकार से ममता को लेकर चर्चा हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ उनके फोटो हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी से विधायक प्रतिनिधि रह चुकी हैं, तो इस पर लेकर ज़्यादा बवाल हो रहा है क्योंकि संजीव मुखिया नीट पेपर लीक मामले के सरगना माने जा रहे हैं, मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है कि उनको कौन बचा रहा है। जिस प्रकार से वो नीतीश कुमार से मिलती हैं, चिराग पासवान की विधायक प्रतिनिधि रह चुकी हैं, तो उसको लेकर के अब विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार के साथ उनके ये जो तस्वीर वायरल हो रहे हैं, ये जो तस्वीर हमारे पास में है, ये क्या रिश्ता है, क्योंकि वो जदयू की नेत्री रही हैं, क्या वो सीधा नीतीश कुमार के साथ जाकर बैठ कर बात नहीं कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि इनको बचाया जा रहा है, संजीव मुखिया हो या फिर उनके पत्नी के जरिए लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पास कई ऐसी तस्वीर है जो कि हम लोग सामने लाएंगे अगर एजेंसियां अगर निष्पक्ष तरीके से जाँच नहीं करती है। तो कल विजय सिन्हा ने 24 घंटा का समय दिया तेजस्वी यादव को, और उसके बाद से ही आज जो है मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नीतीश कुमार और ममता देवी जो कि संजीव मुखिया की पत्नी हैं और विधायक प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं, वो जदयू में भी शामिल थी और 2020 के चुनाव में लोजपा से वो विधायक प्रतिनिधि के लिए वो चुनाव लड़ चुकी हैं। तो इस पर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि वो जदयू की भी प्रतिनिधि रह चुकी हैं, वो चिराग पासवान के पार्टी से भी चुनाव लड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के कनेक्शन के कारण ही तो नहीं संजीव मुखिया को बचाया जा रहा है, क्योंकि संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी संजीव मुखिया को अभी तक बचाया जा रहा है और संजीव मुखिया के नाम के चर्चे भी नहीं हो रहे हैं। आपको हम बताएं कि विपक्ष जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है कि नीतीश कुमार के साथ संजीव मुखिया की पत्नी की तस्वीर आई है, चिराग पासवान के पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी पहुंची हुई है, संजीव मुखिया पहुंचे हुए हैं, उनकी पत्नी ममता देवी पहुंची हुई हैं। तो ये दोनों पर सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार से भी रिश्ते थे, चिराग पासवान से भी रिश्ते थे, तो क्या इन दोनों के संरक्षण में संजीव मुखिया को बचाया जा रहा है। तो अब देखना होगा, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना चुका है और तस्वीर जो है वो लगातार पोस्ट हो रहे हैं। पहले सम्राट चौधरी के साथ में अमित आनंद का हुआ था, अब संजीव मुखिया की पत्नी और नीतीश कुमार का फोटो वायरल हुआ, उसके बाद अब चिराग पासवान के जो पिता थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब वो पहुंची थी वो तस्वीर वायरल हो रहे हैं। तो लगातार जो है जो विपक्ष जो है वो ट्वीट कर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि इन लोगों से इनका क्या रिश्ता है, कौन बचा रहा है इनको, क्योंकि जिस प्रकार के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।